हेलो फ्रेंड्स वन सेकेंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान एंड इन दिस वीडियो टुडे वी विल लर्न अबाउट पीएच एंड इम्पैक्ट ऑफ पीएच ऑन पैरेंट्रल प्रिपरेशंस पीएच क्या होता है और पीएच का प्रिपरेशंस इंजेक्टेबल्स पर क्या इम्पैक्ट होता है इंजेक्टेबल फॉर्मुलेस पर क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन बॉडी पर क्या इम्पैक्ट है पीएच का वो इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं let's continue the video so what is ph the definition of ph ph is defined as the negative logarithm of h plus ions concentration hence the meaning of the name ph is justified as the power of hydrogen so generally ph is the power of hydrogen or concentration of hydrogen ions or hydroxyl ions in a solution measure of acidity or basicity or basic ph is a measure of how basic or how acidic a substance a substance is ph has a range of 0 to 14 a ph greater than 7 means the substance is basic and a ph less than 7 means the substance is acidic the ph when the ph is exactly 7 that indicates that the substance is neutral सो so पीएच क्या होता है पीएच एक मीजर measure है मीजरमेंट है कोई भी सोल्यूशन या सब्सटेंस की एसिडिटी या एसिडिक या बेसिक है वो सब्सटेंस या फिर सोल्यूशन उसका मेजरमेंट हम पीएच में मेजर करते हैं तो ये जो स्केल हमने पहले बताया था आपको वो इसी को बताता है कि अगर जीरो है किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच जीरो है तो वो हाईली एसिडिक है और जीरो से सेवन की तरफ अगर जाएगा तो उसकी जो एसिडिटी है वो कम होती जाएगी सेवन एक न्यूट्रल पीएच होता है और सेवन से फोर्टीन तक अगर वो जाएगा तो हाईली बेसिक हो जाएगा पीएच उसका बेसिक हो जाएगा और फोर्टीन जो है हाईली बेसिक पीएच है जो भी पैरेंटल प्रिप्रेशन होती है उनका पीएच कितना होना चाहिए और अगर पीएच पेरेंटल प्रिपरेशंस का डिस्टर्ब होता है या चेंज होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन बॉडी पर और ड्रग सब्सटेंस पर वो हम वीडियो में आगे समझेंगे सो द इम्पैक्ट ऑफ पीएच एंड ऑन ह्यूमन बॉडी एंड ड्रग सब्सटेंस विल बी डिस्कस्ड फर्दर इन दिस वीडियो तो जनरली सेवन जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है एग्जाम्पल के लिए हम इधर यहाँ पर एक इमेज दी हुई है जिसमें जो लेस देन वन पीएच होता है जो बैटरी का एसिड वगैरह होते हैं उसका जो पी होता है वो लेस देन वन होता है गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिक एसिड का जो पीएच होता है वो वन टू वन पॉइंट फाइव होता है ऑरेंज जूस का जो पी होता है वो थ्री पॉइंट थ्री टू फोर पॉइंट टू होता है विनेगर का जो पी होता है वो फोर टू फाइव होता है ब्लैक कॉफी का पी एच फाइव टू फाइव पॉइंट जीरो थ्री एंड मिल्क का जो पीएच होता है सिक्स पॉइंट फाइव टू सिक्स एट प्योर वाटर का जो पी एच होता है ट्वेंटी फाइव डिग्री पर वो सेवन होता है जो कि न्यूट्रल होता है बंद से लेकर मीन्स जीरो से लेकर जीरो से लेकर सेवन ले तक के जो पी एच होते हैं वो एसिडिक की कैटेगरी में आते हैं और सेवन जो है वो न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है और सेवन के ऊपर सेवन से लेके फोर्टीन तक के जो पीएच होते हैं वो बेसिक की कैटेगरी में आते हैं सेवन कम बेसिक होता है और हाईएस्ट बेसिक बेसिक होता है वैसे ही वन और जीरो वन से नीचे या फिर वन तक के जो पीएच होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं और जैसे जैसे हम सेवन की तरफ बढ़ते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे तो उसकी जो एसिडिटी है वो कम होती जाती है और वो बेसिक की तरह तरफ मूव करते जाता है तो जनरली जो पानी का पीएच होता है वो सेवन होता है तो सी वाटर का जो पीएच होता है सेवन पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट फोर अमोनिया का पीएच एच टू एलेवन पॉइंट फाइव ब्लीच का जो पीएच होता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव एंड जो वन मोलर एन सबसे ज्यादा हाईली बेसिक होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच 14 होता है सो व्हाट इज पीएच ए मेजर ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक ए सब्सटेंस और सॉल्यूशन इज पीएच इज मेजर ऑन ए स्केल ऑफ 14 ऑन दिस स्केल ए पीएच वैल्यू ऑफ सेवन इज न्यूट्रल विच मीन्स इट इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक ए पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन सेवन मीन्स इट इज मोर एसिडिक एंड ए पीएच वैल्यू ऑफ मोर देन सेवन मीन्स इट इज मोर बेसिक इन मेडिसिन हैविंग द राइट पीएच इन द ब्लड और अदर बॉडी फ्लुइड्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी टू बर्क जनरली जो पीएच होता है मेडिसिन का जो पीएच होता है वो पी को इस तरीके से ट्यून किया जाता है कि जो भी हमारे ड्रग सबस्टांस होते हैं वो बॉडी फ्लूड्स के साथ में मैच हो बॉडी फ्लूड्स में अगर हम उस ड्रग सब्सटेंस को इंजेक्ट करते हैं तो उसका बॉडी के टिश्यूज पर या फिर बॉडी के साथ में कोई इंट्रेक्शन ना हो और कोई इरिटेशंस या टिश्यूज इरिटेशंस क्रिएट ना हो तो जो पेरेंटल होती हैं उनमें जो पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है क्या इंपैक्ट होता है अगर पीएच चेंज होता है तो और क्या क्या प्रॉब्लम्स एक ड्रग मेडिसिन और ह्यूमन बॉडी पे आ सकती है वो यहाँ पर हम बताते हैं आपको कंपेटिबिलिटी ऑफ ड्रग सोल्यूशन विद बॉडी फ्लोट डेट इज ब्लड्स और प्लाज्मा अगर किसी ड्रग मेडिसिन का पीएच जो आपकी प्लाज्मा या फिर ब्लड से मैच नहीं करता है तो इरीटेशन हो सकती है आपको बॉडी में जो टिश्यूज है वो डैमेज हो सकते हैं और इससे डिस्कम्फर्ट पेशेंट को फील होगा और और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी एंड टिश्यू इरिटेशन इश्यूज होते हैं डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट सोल्यूबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट कम्पेटिबिलिटी ऑफ ड्रग सबसे तो अगर पीएच कम ज्यादा होगा एक मेडिसिन का तो उसका डिग्रेडेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे स्टेबिलिटी इश्यूज आएंगे बहुत सारे ड्रग स्टेबल नहीं हो पाएगी जल्दी से डिग्रेड हो जाएगी ड्रग खराब हो जाएगी और जो ड्रग मेडिसिन हम बना रहे हैं उसका जो भी पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स उनके साथ में भी कंपेटिबिलिटी इश्यूज होंगे अगर ड्रग ज़्यादा एसिडिक या बेसिक होगी तो जो कंटेनर्स हैं उनमें भी इम्पैक्ट आएगा उस मेडिसिन का और उससे भी ड्रग की जो आ, स्टेबिलिटी है उसपे इम्पैक्ट आएगा सो दीज आर द मिनिमल और बट नॉट लिमिटेड टू इम्पैक्ट ऑन पैरेंटल प्रिप्रेशन ऑफ पी एच सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान